से दो पहिया वाहन की टक्कर होने के बाद जख्मी दो पहिया वाहन चालक को पिस्तौल निकालकर उसे गोली मारने की धमकी देने वाले खापरखेड़ा के वादग्रस्त पूर्व थानेदार प्रवीण मुंडे सहित तीन आरोपियों पर कोराड़ी थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व थानेदार के अलावा इस मामले में पुलिस सिपाही शैलेश यादव और प्रदीप माने का समावेश है। 6 माह पूर्व कोराड़ी थाने समीप हाईवे रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में जख्मी युवक को पिस्तौल की नोक पर धमकाने के प्रकरण में कोराड़ी पुलिस ने बुधवार को तीनों पुलिस वालों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक लिप्त होने की वजह से कोराड़ी पुलिस ने मामले को दबाते हुए दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया था। पीड़ित खापरखेड़ा निवासी शुभम वहाने को न्याय की गुहार के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने पुलिस को 9 नवंबर तक का समय देकर गुनाह क्यों दाखिल नहीं किया इसका जवाब मांगा। अपनी साख बचाने के लिए आनंद फानन में सीपी के आदेश से डीसीपी श्रवण दत्त एस ने एक दिन पूर्व ही 8 नवंबर को तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया। शुभम ने कोराड़ी पुलिस को बताया कि वह गत 13 जून 2023 की रात 11:45 पर अपने दो पहिया वाहन से घर जा रहा था। उस वक्त यह हादसा कोराड़ी थाने समीप हुआ। कोराड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। शुभम को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे पुलिस जीप में 1 घंटा बैठा कर रखा गया था। मौजूद आरोपियों पर कार्रवाई किए बगैर हाथ की हड्डी टूटे अवस्था में शुभम को उसके भाई के साथ जाने को कहा। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सीपी ने भी मामले की जांच शुरू करवाई। इस मामले को लेकर कोराड़ी थाने के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरने की संभावना बनी है। घटना के समय तीनों आरोपी नशे में थे। इस मामले को लेकर ग्रामीण पुलिस ने भी शुभम की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना होगा कि ग्रामीण एसपी हर्ष पोद्दार और शहर सीपी अमितेश कुमार दोषियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। पुलिस कर्मचारी द्वारा छोटी गलती होने पर उन्हें सजा के तौर पर उनका इंक्रीमेंट ठप किया जाता है, तो इतना बड़ा संगीन मामला प्रकाशित होने के बाद दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है यह देखना होगा। हाईकोर्ट के वकील महेश राय इस मामले को लेकर शुभम की पैरवी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 श्रवण दत्त आईपीएस पुलिस थाने कोराड़ी ये थे। आज रोजी दिनांक 8 नवंबर 2023 रोजी गुना रजिस्टर क्रमांक 427/2023 कलम 279, 337, 338, 506, 34 आईपीसी आणि मोटर व्हीकल कायदा 184, 185 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। गुन्ह्यामधील जे फिर्यादी आहे शुभम वहाने यांची तक्रारीवर आज रोजी दिनांक 13/6/2023 रोजी झालेला ॲक्सिडेंटबद्दल त्यामध्ये जे काही आरोपी आहे त्यांचेबद्दल सदर गुन्हा दाखल झाला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी आहे। एक पोलीस अधिकारी दर्जाचे अधिकारी आहे आणि 2 अंमलदार विरुद्ध एकूण 3 आरोपी विरुद्ध सदर गुन्हा दाखल आहे। ते सध्या नागपूर ग्रामीण जिल्हा या स्थापनेवर आहे। ये घटना ॲक्सिडेंट 13 जून 2023 का है और उस दिन के ॲक्सिडेंट के बाद आज फिर्यादी के फिर्याद पे ये FIR रजिस्टर हुई। घटना के उपरांत विक्टिम का कहना ये है कि विक्टिम को धमकाया गया और उनको तकरार देने से इनकरेज नहीं किया गया। उस संबंध में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने ये बोला था कि वो गाड़ी से स्लिप हो गए और गिर गए। इस वजह से उनका जो स्टेटमेंट था वो तकरार ना होते हुए खुद के मिस्टेक के वजह से गिरने के वजह से हुआ, ऐसी इंजरी MLC स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था। नहीं, ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा। ये इंक्वायरी ऑलरेडी चालू थी और वरिष्ठ पदाधिकारी जब इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया गया तुरंत उसमें माननीय पुलिस आयुक्त साहब नागपुर शहर इन्होंने आदेश भी दिए और मैं पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 मैं पर्सनली उपस्थित रह के मैंने विक्टिम का स्टेटमेंट लिया और उसमें एक दखल पात्र गुनाह होता है, इसलिए आज रोजी उसमें गुनाह दाखिल हुआ। विक्टिम को पुलिस स्टेशन कोराड़ी वॉज ट्राइंग टू रीच टू विक्टिम, लेकिन विक्टिम 1 महीने से मुंबई में थे तो उस वजह से भी थोड़ा सा विलंब हुआ। एकंदरित जो भी जून महीने से आज तक विलंब हुआ उसके सिलसिले में माननीय पुलिस आयुक्त सर के कार्यालय की तरफ से एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई है और जो भी संबंधित अधिकारी और अमलदार हैं
जिन्होंने इसमें नेग्लिजेंस दिखाया या इस डिले के कारणभूती बने, उनके खिलाफ चौकसी ऑलरेडी आदेशित हो चुकी है। नहीं, मेरे सामने अभी कोई ऐसा अभिलेख नहीं है, वो पुलिस अधिकारी और अमलदार हैं, तो मेरा बोलना ये उचित नहीं रहेगा कि उनका क्या क्राइम रिकॉर्ड है। सावनीर सिंह, BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।